गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों के लिए 8th क्लास की हिंदी की वर्कशीट कार्यपत्रक नंबर 25, जिसकी डेट 22 दिसंबर 2020 रहेगी। बच्चों, और आज के इस कार्यपत्रक का हमारा टॉपिक अकबरी लोटा, जिसको हमने पिछली कार्यपत्रक में भी पढ़ा था कि किस तरह से लाला झावलाल की पत्नी अपने पति से 250 रुपये की मांग करती है और लाला झावलाल की इज्जत का सवाल है। सातवां दिन आ जाता है लेकिन लाला झावलाल अभी तक पैसों का कोई अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो लाला झावलाल की पत्नी को गुस्सा आना ऑब्वियस सी बात है बच्चों, क्योंकि केवल 250 रुपये की ही बात है और 100 रुपये उनका दुकान से किराया भी आता है हर महीने, और अच्छा खासा उनका परिवार, मतलब उनको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, पैसा ठीक ठाक कमा लेते हैं, फिर भी लाला झावलाल अपनी पत्नी को 250 रुपये नहीं दे पा रहे हैं। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई। कौन? लाला झावलाल की पत्नी। जब लाला झावलाल छत पर थे तो उन्होंने अपनी पत्नी से पानी लाने के लिए बोला था, तो उनकी पत्नी पानी तो ले आई लेकिन गिलास लाना भूल गई, तो केवल लोटे से पानी लिए वह प्रकट हुई। मतलब लोटा लेकर आ गई और गिलास लाना भूल गई। फिर लोटा भी संयोग से वह है जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झावलाल को सदा से नापसंद था। मतलब लोटा भी ऐसा था जो लाला झावलाल जिसको पसंद नहीं करते थे, बेकार लोटा था, बेढंगा लोटा था वो, और लाला झावलाल को पसंद नहीं था। तो बच्चों, है कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो हमें भी अपनी रसोई में पसंद नहीं होते, है ना। तो कोई कटोरी है, कोई चम्मच है, कोई गिलास है, तो हो जाते हैं बहुत से बर्तन ऐसे जो हमें पसंद नहीं होते। तो क्या नया, साल दो साल का ही बना पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। मतलब वैसे तो ज़्यादा पुराना नहीं था लोटा, लेकिन फिर भी लाला झावलाल उसको पसंद नहीं करते थे लोटे को। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी पत्नी को गुस्सा आ रहा है, तो चुपचाप उन्होंने अपनी पत्नी से लोटा ले लिया। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, अदब का मतलब सम्मान करते थे। कौन? लाला झावलाल अपनी पत्नी का सम्मान करते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहती हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। तो फिर उन्होंने भी यही सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चूक कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। क्या कह रहे हैं लाला झावलाल की? कोई बात नहीं, लोटा पसंद नहीं है तो क्या हुआ, मैं उस लोटे में ही पानी पी लेता हूँ। अगर मैंने कुछ बोल दिया और पत्नी को गुस्सा आ गया, उसने फिर कुछ मुझे उल्टा सीधा बोल दिया, तो हो सकता है भोजन मुझे बाल्टी में दे दे, है ना। तो तब क्या करना बाकी रह जाएगा, फिर क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। लाला झावलाल ऐसे सोच रहे हैं। तो लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। ओके, अब उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी कभी यह नियम भी बनाया नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। तो लाला झावलाल कह रहे हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग ने पानी पीने के संबंध में बहुत सारे नियम बनाए हैं। जैसे अगर हम कहीं से दौड़ कर आते हैं, हमें पसीना आ रहा है, तो हमें उस समय पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे कि आपकी मम्मी भी मना करती होंगी, आप खेल कर घर वापस आते हो, पसीना आपको आया रहता है, कि बेटा एकदम से पानी मत पियो, है ना। सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि रात को फिर अगर हम ज़्यादा पानी पीकर सोते हैं तो रात को फिर टॉयलेट की प्रॉब्लम रहती है। और इसी कारण इसी तरह से बताया है कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, और पानी कि बुजुर्गों ने फिर ऐसा नियम क्यों नहीं बनाया कि मुंडेर की छत पर खड़े होकर पानी न पियो, तो हो सकता है वह नियम भी बन जाए। तो लाला झावलाल मुश्किल से दो एक घूंट ही पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल गया और लोटा छूट गया। मतलब लोटा नीचे गिर गया, पृथ्वी पर गिरने वाला था। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। मतलब लोटा तो जब हाथ से गिरेगा तो वो पृथ्वी पर ही गिरेगा एकदम से, वो क्या सोचेगा कि मैं इधर गिर रहा हूँ या उधर गिर रहा हूँ, है ना। अपने वेग से हल्का
उल्का को नचाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया, मतलब लाला जी के हाथों से एकदम लोटा फिसल गया और नीचे धरती पर गिर गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षक शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी। ईजाद मतलब चीज की खोज की थी। आपने न्यूटन के नियम के बारे में सुना होगा बच्चों, उन्होंने पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षक बल का सिद्धांत हमें दिया है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति जो होती है वो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है ना। तो इसी तरह से बताया है कि जब लोटा गिर रहा था लाला झाऊलाल के हाथों से तो पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींच रही थी, तो इसलिए यहाँ पर न्यूटन का नाम आया है। कहना ना होगा कि सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। तो इस तरह से बच्चों हमने इस गद्यांश को पढ़ लिया है, अकबरी लोटे को, न्यूटन के नियम के बारे में भी जान लिया है कि न्यूटन का नियम था जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और लाला झाऊलाल की पत्नी को अभी 250 रुपये मिले या ना मिले, अभी इस कार्यपत्रक में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। आई होप आपकी आगे जो कार्यपत्रक आएगी उसमें उसका जिक्र किया जाएगा। तो बच्चों अब गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। देखो चार आसान से प्रश्न दिए गए हैं। क्या नियम बनाए हैं हमने पढ़ा है ऊपर गद्यांश में, आप न्यूटन के नियमों के विषय में क्या जानते हैं, और गतिविधि आपको करनी है कि आपके रसोई में भी कुछ ऐसे बर्तन होंगे जिनको आप पसंद नहीं करते हो, जो आपको नापसंद है, तो उन बर्तनों के नाम लिखने हैं और कारण भी बताना है कि आपको वे बर्तन क्यों पसंद नहीं है। तो बच्चों देखिए पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, लाला झाऊलाल ने लोटा पसंद न होते हुए भी पत्नी से क्यों ले लिया था। तो बच्चों लाला झाऊलाल अपनी पत्नी का सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने लोटा पसंद न होते हुए भी लोटे को चुपचाप अपनी पत्नी से ले लिया, हालांकि उन्हें लोटा बेढंगा लगता था। प्रश्न नंबर दो देखते हैं, आपके विचार से बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या क्या नियम बनाए हैं। बुजुर्गों के अनुसार हमें सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, हमें दौड़कर आने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, और बुजुर्गों के अनुसार बच्चों खड़े खड़े भी हमें पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये तीन पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, आप लोग भी कॉपी में 1, 2 और 3 करके लिख लेना। आप न्यूटन के नियम के बारे में क्या जानते हैं लिखिए। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री न्यूटन ने वस्तु की गति के संबंध में कि किस तरह से वस्तु की गति को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है महत्वपूर्ण नियम बताया है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 हमारा गतिविधि है, आपको अपनी सोच से करना है। तो मैंने तो अपने हिसाब से लिख दिया है कि क्या आपकी रसोई में कुछ ऐसे बर्तन हैं जिनको आप नापसंद करते हैं, कारण बताइए। हाँ, मुझे मेरी रसोई में रखा गया जग और एक पीतल की कटोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि रात में पानी लाने के लिए जग भरकर मुझे ही लेकर आना पड़ता है, इसलिए मुझे जब पसंद नहीं है। है ना बच्चों, देखो कितनी हंसी मजाक की बात मैंने लिखी है, क्योंकि रात में जब हम अपने बेड के सिरहाने पानी भरकर रखते हैं तो जग भरकर मुझे हिलाना पड़ता है, और पीतल की कटोरी मुझे कटोरी पसंद नहीं, और मम्मी उस पीतल की कटोरी को हटाती भी नहीं है। तो बच्चों इस तरह से मैंने ये आपके 4 आसान से प्रश्न थे जिनके आसान से उत्तर मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, ताकि आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आने वाली जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।